आज हम बनाएंगे स्पाइसी प्रॉन्स करी, वो भी सरसों के चटनी के साथ। ये एक ट्रेडिशनल बंगाली डिश है। इसमें प्रॉन्स को सरसों के चटनी में मैरिनेट करके स्टीम किया जाता है। खाने में बेहद टेस्टी होता है और रेसिपी भी एकदम सिंपल है। वेलकम टू रेखास चटपटा किचन। सबसे पहले आधा किलो प्रॉन्स ले लेंगे, यानी झींगा मछली, और 4-5 हरी मिर्च। अब प्रॉन्स को अच्छे से साफ कर लेना है। पहले तो ऊपर का मुंह निकाल दीजिए कुछ इस तरह, फिर छिलका हटाइए। अब पीछे से पूंछ को खींचिए। देखा आपने कितना इजीली साफ हो गया। बस प्रॉन्स को साफ करने में ही आपको 10 मिनट जैसा टाइम लगेगा, बाकी इसको पकाना तो काफी इजी है। सभी प्रॉन्स साफ हो जाने से अब इन्हें धो लेंगे अच्छे से। एक कटोरी में पानी भर के ले लिया है मैंने। इन्हें कटोरी में अच्छे से धो के दूसरे प्लेट में निकाल लूंगी। चलो अब सरसों का चटनी तैयार कर लेंगे। उसके लिए एक छोटी कटोरी में मस्टर्ड सीड्स लिया है मैंने। मैं सिलबट्टा पे पीसने वाली हूँ, आप चाहो तो मिक्सचर में भी पेस्ट बना सकते हो। अब लेंगे 5 हरी मिर्च। आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो ज्यादा मिर्ची भी ले सकते हो। अब स्वाद अनुसार नमक डालो और थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के पीसना शुरू कर दो। आप सोच रहे होंगे कि मैं सिलबट्टा क्यों यूज कर रही हूँ, जबकि मिक्सचर ग्राइंडर में तो ये काम आसानी से हो सकता है ना? तो देखिए, सिलबट्टा में आहिस्ता आहिस्ता पीसने से जो नेचुरल टेस्ट और खुशबू है वो बना रहता है। आप यही पेस्ट मिक्सचर में बनाएंगे ना, तो फ्लेवर्स में भी थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा और टेक्सचर भी सेम नहीं रहेगा। इसलिए मैं सरसों की चटनी सिलबट्टा पे पीसना ही प्रेफर करती हूँ। देखिए, बात करते करते पेस्ट भी बन चुका है। पेस्ट का टेक्सचर ऐसा ही दरदरा रखना है, ज्यादा फाइन पेस्ट भी नहीं बनाना है हमको, ठीक है? अब बारी है प्रॉन्स में सरसों के पेस्ट को मिलाने का, तो डायरेक्ट कढ़ाई में ही मिला लेते हैं। अभी गैस ऑन नहीं करना है आपको, बस कढ़ाई में सारा प्रॉन्स डालिए। अब डालेंगे एक बड़ी चम्मच सरसों तेल और थोड़ा सा हल्दी, करीबन आधा चम्मच जैसा, और डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। पहले भी हमने पेस्ट में नमक डाला था तो उस हिसाब से डालिएगा, ठीक है? अब जो सरसों पेस्ट हमने बनाया था वो भी डाल देंगे। पूरा सरसों का पेस्ट डाल दिया है मैंने, अब कुछ नहीं करना है, बस अच्छे से प्रॉन्स को मिला लीजिए सरसों के पेस्ट में। सभी झींगे मछली में मस्टर्ड सॉस अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। देखिए, अच्छे से मिला लिया है मैंने। प्रॉन्स तो वैसे भी टेस्टी ही होता है, लेकिन मस्टर्ड सॉस के साथ गजब का स्वाद आता है इसका, जो मैं आपको सिर्फ बोल के नहीं बता सकती। अब गैस ऑन कर देंगे और लो फ्लेम में ढक के स्टीम करना है 10 मिनट तक। बीच बीच में आप थाली हटा के थोड़ा हिला देना और फिर ढक देना। 10 मिनट बाद जब ग्रेवी थोड़ा थोड़ा सूख जाए, तब एक चम्मच सरसों तेल ऊपर से डाल देंगे। तेल डाल के मिक्स कर दो और प्लेट में गर्मा गर्म सर्व करो। बस तैयार है बहुत ही टेस्टी, टैंगी और स्पाइसी प्रॉन्स करी विथ मस्टर्ड सॉस। जी हाँ, इतना ही आसान था इसको बनाना। जिसको कुकिंग खास कुछ नहीं आता या अकेले रहते हैं, बैचलर है, वो भी इस डिश को आसानी से बना सकते हैं। ऊपर से आप सजाने के लिए हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हो। ये साइड डिश स्टीम राइस के साथ खाने में बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है, आपका दिल खुश हो जाएगा। मेरी बात मान के एक बार घर में ये रेसिपी जरूर ट्राई करके देखिए, मुझे यकीन है कि आप दोबारा बनाएंगे। अगर आपको ये इजी होममेड रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।